जय माता जी। इसमें देखो हमारे आलीशान बच्चा है, 8.5 महीने का हो गया है, तो उसको दूध सुड़वाया है, अभी उसकी माँ से अलग कर दिया है। ये इसको जन्म, इसका यही रूम में जन्म हुआ था हमारे आलीशान का। पूरा ब्लेज है कपार में और पीछे वाला दोनों पैर सफ़ेद है और कन्हैया का है, और उसकी माँ का नाम है तेज रूप। और ये 8.5 महीने का हो गया है, तो ये घोड़ी को बहुत परेशान कर रहा था। ये सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, 2 दिन से अभी अलग किया हुआ है। बहुत लोग ऐसे 3 महीना 4 महीना 1.5 महीना 2 मंथ में बच्चे को अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा के लिए इतनी कमीना मत बनो, है ना, पैसा के लिए। उसकी माँ से 2-3 मंथ में अलग मत करो। हमारे ये 8.5 महीने हो गया और घोड़ी को परेशान कर रहा था ना, इसलिए अलग किया ना, अभी भी मैं अलग नहीं करने वाला। 1 साल इसको दूध पिलाई, अभी भी हम इसको दूध पिलाते हैं इसकी माँ का, 2 टाइम पिलाते हैं। उसकी माँ को इधर लेके आते हैं, सामने इसकी माँ है तेज रूप। देखो मुँह दिखाई रही है, ये टेबलेट से बाहर मुँह थोड़ा कर रही है, हवाज कर रहा है ना, तो पास में ही रखी है। उसको जोगण दिया है, सुबह और शाम दोनों टाइम देंगे। और उसको माँ का दूध अभी मैं शाम को पिलाता हूँ, उसकी माँ को यहाँ अंदर रूम में लेके आता हूँ, खड़ी रेत रखता हूँ तो वो दूध पी लेता है। शाम को लेके आता हूँ, सुबह को, दोनों टाइम 2-3 दिन ऐसे दूध उसको पिलाएंगे, सुबह और शाम। उसके बाद हमेशा शाम को पिलाएंगे, शाम को पिलाएंगे, और 2-3 दिन 4 दिन शाम को पिलाएंगे। उसके बाद एक दिन छोड़ के ऐसे पिलाएंगे 2-3-4 दिन। उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के दूध पिलाएंगे, तो क्योंकि बच्चा को भी सीधा दूध आप बंद कर देंगे ना, तो वो भी बीमार हो जाता है। छोटा होता है तब भी बीमार, बड़ा भी हो जाता है, नर घोड़ा बन जाता है, तब भी उसकी माँ का दूध उसको नुकसान करता है। बहुत लोग का छोटा घोड़ा होता है तो गुजर जाता है 3 साल 4 साल 5 साल में, बहुत बढ़िया घोड़ा होता है, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम होता है, उसकी माँ का दूध उसको पूरा नहीं मिला होता। आपको सेल करने के लिए ठीक है, आप सही है, आपको हक है, लेकिन आप उसका माँ का दूध मत छोड़वाइए। कम से कम उसको 7-8 महीने तो पिलाना ही चाहिए, पिलाना तो 1 साल चाहिए, पर क्योंकि ये घोड़ी को बहुत परेशान करता है, नर बसा होता है ना, घोड़ी को काटता है, पैर मारता है, और डे नाइट खाना नहीं सही खाने देता, और बैठने नहीं देता, खड़ी नहीं होने देता, तो इसीलिए हमने इसको अलग किया हुआ है। 7-8 महीने तो पिलाना ही चाहिए। उसके बाद उसको जोगाण है, जो हो सकता है तो गिर गाय काकरेज गाय का दूध उसको पिलाओ, वो भी आधा आधा लीटर से चालू करो सुबह और शाम, उसको 2-3 चाल दूध पिलाइए। बहुत लोग का घोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया सूट जाता है, ये माँ का दूध का वजह से सूट जाता है, तो इसलिए उसको 8-9 महीने 10 महीने 12 महीने तो पिलाना ही चाहिए। माँ देखो ये घोड़ी है, इसकी माँ तेज रूप हमारी है, थोड़ी दुबली पतली भी हो गई है, दूध भी बढ़िया देती है अभी भी, तो देखो माँ है, माँ तो कितना भी बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। देखो यहाँ से देख रही है कहाँ क्या कर रहा है बच्चा, तो उसको अलग किया है तो थोड़ा उसको भी दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है, तो लेकिन वो भी तंग आ गई थी, ये यहाँ काट रहा था। देखो ये बहुत शांत घोड़ी है, तो ये देखो यहाँ काट लिया है, कल मैं इधर था ना तब भी वो परेशान कर रहा था, कहाँ कहाँ भी काट लेता था और पैर मार रहा था। देखो जो यहाँ भी काटा है थोड़ा, तो इसलिए माँ बोला गुस्सा किया, गलत कर दूंगा इसको, तो मैं शाम को इसको वहाँ लेके जाता हूँ उसका ठाण में, आलीशान का, और बच्चे के ठाण में लेके जाता हूँ। उसका नाम आलीशान है इसका बच्चा का, और इसका नाम तेज रूप है, जैसा नाम है ऐसा ही रूप है, तो ये भी परेशान हो जाती है, लेकिन क्योंकि माँ है वो तो थोड़ी दुबली पतली हो गई है। उसको भी जोगाण बंद कर दिया अभी, इसकी माँ को हमने बच्चे को चालू किया है, इसको बंद कर दिया, क्योंकि जल्दी दूध उसका सूख जाएगा, तो 10-15 दिन में इसका दूध बंद कर देंगे, तो 9 महीने के आसपास उसको दूध मिला है आलीशान को। तो ऐसे करके दूध छुड़वाना चाहिए, क्योंकि बड़ा घोड़ा नर होगा ना, तो ये 100 साल माँ का दूध की ताकत उसको देती है, 100 साल जिंदा रखना है ना, तो 1 साल उसकी माँ का दूध चाहिए, और माँ का नहीं मिलता ना तो गिर गाय और काकरेज का पिलाना चाहिए, तो ये 100 साल जीता है, जिंदा रहेगा। ऐसा नहीं है जितना आदमी जीता है ना इतना ये घोड़ा जिंदा है, जिंदा रहता है। 100 साल आप जिएगा ना तो ये घोड़ा भी 100 साल जीता है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बालक दास बाबू जी भी बोलते हैं, आपने किसी ने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, तो बढ़िया लोग है, महंत है, संत है, उसकी बात सुनना चाहिए, और बढ़िया संत है।
तो मैं ऐसे ही देख के वीडियो देख के ऐसा हमारा पिताजी से तो नहीं है, बाप दादा से ये पूछता था और किसी बड़े लोग बुजुर्ग लोग होता है उनसे पूछ लेता हूँ। और अपनी देख देख के सीख जाना चाहिए, क्योंकि घोड़ा वालों तो ज़िंदगी भर सीखता रहता है किसी ने और किसी के पास से, छोटा होगा बड़ा होगा कहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले ना वो ले लेना चाहिए। छोटा होगा बड़ा होगा कंजूस होगा कि कोई गुस्सा आदमी होगा कोई सच बोलता है, तो जहाँ से मिले ना अच्छी शिक्षा वो तो ले लेना चाहिए किसी के पास से, कोई भी जाति होगी कोई भी उम्र का होगा, छोटा होगा बड़ा नहीं देखना चाहिए। तो आप सबको यही रिक्वेस्ट है तो भाई ये इसको कम से कम 8 मंथ तो पिलाना ही चाहिए, 7 मंथ 8 मंथ नर घोड़ा होता है, 1 साल भी पिला सकता है अलग अलग रख के, क्योंकि माँ को परेशान नहीं करता है तो 1 साल पिलाना चाहिए। हमारे ये आलिशान को 1 साल पिलाना था पर लेकिन ये आलिशान खुद बहुत परेशान करता है इसकी माँ को, और माँ भी कमज़ोर हुई है, तो मैं बोला ये कमज़ोर और हो जाएगी, बड़ा है ना तो दूध भी बढ़िया देती है, क्योंकि घोड़ी में कम से कम 15-20 लीटर के आसपास दूध होता है, पर लेकिन वो आधा घंटा 15-20 मिनट से उसको दूध निकालना पड़ता है, वो सीधा गाय भैंस जैसा दूध घोड़ी नहीं दे सकती, एक दिन में ये 20 लीटर दे सकती है पर लेकिन हाँ आधा घंटा में आप निकालेंगे तो इतना दूध निकालती है। हर घोड़ी इतना नहीं देती, कोई 5-6 लीटर ही देती है, कोई 10 लीटर देती है, कोई 15, कोई 20, कोई जैसे गाय भैंस होती है उसमें दूध आता है ना ऐसे ही आता है। तो सबको यही रिक्वेस्ट है हमारी, तो हम तो छोटे लोग हैं बड़ा तो नहीं है, हो सकता है तो ऐसा पालन करना, और कोई भी ऐसा बच्चा मत आप 2-3 मंथ में दूध मत छोड़वाइए। हाँ माँ छूट गई तो ठीक है, लेकिन जो माँ जिंदा होती है और आप बच्चे को सेल कर देते हैं तो आप जैसे कमीने आदमी कोई नहीं होता, मैं तो सही बोलता हूँ, यह ना कि मैं सही बोलता हूँ, तो ऐसा है भाई साहब ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि तो आपको भगवान पैसा भी देगा इज्जत भी देगा मान भी देगा, मान सम्मान सब मिलेगा। लेकिन आप पैसा के लिए 2 मंथ का 1 मंथ का पिला के बहुत लोग ऐसा मैं देखा है कि सेल कर दिया 1 मंथ का 2 मंथ का, ऐसा कंजूस आदमी होता है ना 2-3 मंथ में सेल कर देते हो, पैसा तो कमा लेता है, उसको कहाँ भी कैंसल होता है, कहाँ डायबिटीज है, कहाँ से कोई घर में हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहाँ कोई घर में मर जाता है अकाल, तब आपको पता नहीं चलता, क्योंकि भगवान किसी को सामने गोली मारने के लिए नहीं है, डंडा लेके नहीं आता, वो ऐसे ही मारता है, उसको मालूम होता है। तो सबको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काम मत करो, पैसा के लिए आप 2-3 मंथ में दूध छुड़वा के सेल कर देते हैं ऐसा मत करो, अब पिलाए 12 मंथ नहीं तो 6-7 मंथ तो पिलाए, 6-7 मंथ 8 मंथ तक तो माँ भी पिला सकती है, उसके बाद उसको घोड़ा भी बता देना चाहिए, कोई कोई हम भी बता देते हैं 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में वो भी ठीक है, लेकिन हर साल ऐसा नहीं करना चाहिए, जो घोड़ी सही रहती है तो 6-7 मंथ के बाद ही घोड़ा बताना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ 1 साल ही बाद ही बताना चाहिए, पर लेकिन हो सकता है तो जितना हो सके इतना घोड़ी को रेस्ट देना चाहिए, तो आपकी घोड़ी भी 100 साल जिंदा रह सकती है। आप हर साल बच्चा लेते हैं तो घोड़ी कमज़ोर होगी, वो 100 साल नहीं जिंदा रहेगी, और बढ़िया तंदुरुस्त बच्चा भी नहीं दे सकती, कमज़ोर हो जाती है, खुद कमज़ोर होती है माँ तो बच्चा कहाँ से बढ़िया देती है। तो ऐसा है बहुत लोग ऐसा घोड़ा 2-3 मंथ का दूध जो नहीं पिलाता ना वो 20 साल नहीं जिंदा रहता, 100 साल नहीं जिंदा रहता, वो 2-3-4-5 साल में सूट जाते हैं, बहुत लोग ऐसा, हमारे इधर बहुत बड़े बड़े घोड़े सूट गया है, उसके यही काम होता है, यानी वही काम होता है कि उसकी माँ का दूध नहीं मिला, जो माँ का दूध मिलता है ना कोई भी होगा एनिमल, गाय होगी भैंस होगी घोड़ा होगा कोई भी होगा, जो माँ का बकरी होगी घेटा होगा, माँ का दूध जैसी किसी में ताकत नहीं होती। जय माता जी।